फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल मामीज़ गार्डन पे आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके चलते हैं मेरा ही छत पे, हम जो वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं उधर। ये देखिए, ये है मेरा लौकी का प्लांट, ये हम वनस्पति वाला ड्रम में लगाए थे। ये देखिए कितना सुंदर लौकी हुआ है। इसको आज हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली दो लौकी पहले हम हार्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ मंकीज आके थोड़ा सा नष्ट भी कर देता है ना फ्रेंड्स, इसीलिए। ये देखिए, ये लौकी का प्लांट, ये हम एक्चुअली सीड से लगाए थे। ये देखिए छोटा, कितना सुंदर सुंदर एकदम हरा भरा मेरा प्लांट है। इसको हम टाइमली पानी देते हैं और टाइमली खाद भी देते हैं, वो भी ऑर्गेनिक। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कील ठोक के हम तार देके इसको हम बनाए हैं, नेट बना दिए ताकि प्लांट अच्छा से फैल सके इसके ऊपर। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। और ये देखिए छोटा सा पामकिन का सीड्स हम लगाए थे, तो ये थोड़ा सा जर्मिनेट होके ऐसा साइज का हुआ है। ये भी हम घर का ही पामकिन था, मतलब इधर ही हुआ था पामकिन, वही पामकिन का दो सीड्स हम रख दिए थे, उसको जर्मिनेट करके वो प्लांट हुआ है। और एक करेला, ये भी ऐसा ही है, घर का ही करेला से हम जर्मिनेट किए खुद और वो वाला प्लांट लगाए थे। ये देखिए छोटा छोटा कितना करेला, इसका कभी कभी हम करेला भी हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर इस बार इतना सारा करेला हुआ है। ये देखिए छोटा छोटा बेबी करेला कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। ये बेबी करेला तो और भी अच्छा देखने में लग रहा है। ये देखिए छोटा छोटा बेबी करेला कितना सुंदर। और हम इसका केयर करते हैं बस महीना में दो बार सरसों खोली का पानी। आप सरसों खोली को लाके रात भर भिगो दीजिए और उसका पानी सिर्फ यूज़ करते रहिए, और कोई खाद आप दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, लेकिन आप सरसों खोली का पानी देते रहिए और टाइमली पानी देते रहिए, बस आपका प्लांट देखिए हर टाइम फूलों और फलों से हरा भरा रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, वनस्पति का ड्रम हम ऊपर वाला हिस्सा को काट के उसमें हम लगाए थे। फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो कमेंट में अगर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, तो हमको भी थोड़ा सा इंस्पायर मिलेगा ना फ्रेंड्स। ये देखिए हम सब एक्चुअली कवर का जुगाड़ से ही करते हैं। फ्रेंड्स, इतना खर्च कहाँ से करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में